नवादा से गुंजन सिंह। जी हाँ, गुंजन सिंह नवादा से यूं कहें तो काफी पीछे चल रहे हैं, यानी कि शुरुआती रुझान आ चुका है। 9:30 बज रहे हैं और 9:30 बजे का अपडेट ये है कि गुंजन सिंह जो भोजपुरी इंडस्ट्री यानी कि मगही इंडस्ट्री को ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं वो पीछे चल रहे हैं। जी हाँ, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने भी सोचा कि भोकाल का इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं उनका भी जलवा चल जाएगा, तो भैया जलवा मुझे नहीं लग रहा है कि चलने वाला है। जी हाँ, गुंजन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े नवादा से, और नवादा से जो रुझान सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में अभी फिलहाल नजर आ रहा है। और ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार यानी कि गुंजन सिंह जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और साथ ही साथ मगही इंडस्ट्री के भी सुपरस्टार हैं, यानी कि गाना को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बजे रहते हैं, और इसी कारण से उन्होंने सोचा कि भाई चुनाव लड़ा जाए लेकिन किसी पार्टी से नहीं बल्कि निर्दलीय लड़े। और ऐसे में भैया गुंजन सिंह इस समय शुरुआती रुझान में काफ़ी ज़्यादा यूं कहें तो तीसरे नंबर से भी हटके चौथे नंबर पर नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये आंकड़ा एक घंटे के बाद बदलता है या फिर ऐसे ही चलता है, यह तो एक घंटे के बाद पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से काराकाट में पावर स्टार पवन सिंह का जो जलवा है एक घंटे में रुझान बदला है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है, और पवन सिंह लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। और आजमगढ़ से जो दिनेश यादव निरहुआ हैं वो यानी कि धर्मेंद्र यादव से काफ़ी पीछे चल रहे हैं, और भोजपुरी इंडस्ट्री के जो मनोज तिवारी हैं वो कन्हैया कुमार को हराते हुए यानी कि वो लीड कर रहे हैं यानी कि दिल्ली से। और ऐसे में लास्ट जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं मेगा स्टार हैं यानी कि रवि किशन, वो भी बाबा गोरखनाथ यानी कि गोरखपुर से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी सुपरस्टार के बारे में ये अपडेट था। फिलहाल क्या सोचते हैं गुंजन सिंह के बारे में, क्या उनका समीकरण बदलेगा एक घंटे के बाद, क्या गुंजन सिंह ऊपर की पोजीशन पर आएंगे, जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।